पहले बहुत सारे मेल मॉडल्स आ चुके हैं और मुझे भी कहा गया था कि नाम जॉन अब्राहम है और नाम से आप नहीं चलोगे, उसके ऊपर आप मेल मॉडल हो तो शायद एक्टिंग भी नहीं कर पाओगे आप। तो मैं हंसा, आई स्माइल्ड इन फैक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि अभी एक्सपेक्टेशंस या तो ज़ीरो है या तो नेगेटिव। तो जो भी मैं अभी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ और रिजल्ट्स जो आते हैं उसके आर, इवन इफ़ दे आर लिटिल ओके, दे आर पॉजिटिव, तो मैं खुश हूँ। वो प्रोड्यूसर का डिसीजन है कि आई डोंट नो व्हाट टू से एक्सेप्ट दैट इट्स अ प्रोड्यूसर्स डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट इट एंड आई थैंक द प्रोड्यूसर्स फॉर बीइंग इन बीइंग अ पार्ट ऑफ धूम एटलीस्ट। थैंक यू। धूम के पहले शायद बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग ने मुझे बताया कि जॉन यू आर देयर, यू हैव अराइव्ड, लेकिन यू नीड वन बिग हिट टू रियली एस्टैब्लिश योर सेल्फ कि यू कैन स्टे इन दिस इंडस्ट्री फॉर एटलीस्ट 10 years। और धूम के बाद उन लोग मुस्कुरा के बोलते कि जॉन यू आर देयर नाउ, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। धूम इज़ ऑल्सो हेल्प मी क्योंकि जो मेरी ऑडियंस थी पहले वो एक ज़्यादातर टीनेजर टू एन अडल्ट ऑडियंस थी। धूम के बाद बहुत सारे बच्चे फैंस हो गए एंड दे लाइक द कैरेक्टर ऑफ कबीर ऑन अ मोटरबाइक। इन कर्म यू कैन सी बोथ साइड्स ऑफ मी, आप नेगेटिव भी देखोगे और पॉजिटिव भी। ज़्यादातर इट्स अ पॉजिटिव रोल प्रियंका को, वो मिस इंडिया भी नहीं बनी थी तब से मैं जानता हूँ। द केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स वेरी ब्यूटिफुली। यू आर इन शो बिजनेस, यू हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस, तो मेरा काम है ऑडियंस को एंटरटेन करना और जितना भी हो सके मैं ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला हूँ थ्रू माई कैरेक्टर्स एंड थ्रू माई मूवीज़। तो कोशिश यही है कि मैं मूवीज़ जो सिलेक्ट करूँ ठीक सिलेक्ट करूँ अब से, एंड आई एम मोर केयरफुल एंड आई मेक द ऑडियंस स्माइल एंड एन्जॉय।